हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मॉर्निंग का टाइम है और संडे है आज, तो बना रही हूँ लंच। तो लंच में बना रही हूँ मैं सेवैयाँ। सेवैयाँ खाने का मन हो रहा था, तो स्कूल का भी टेंशन नहीं है और ड्यूटी पे जाने का भी कोई टेंशन नहीं है, तो आराम आराम से आज काम करती हूँ मैं संडे को। तो सेवैयाँ देखिए बन के तैयार हो गया है, और यहाँ पे मैंने काजू को भी थोड़ा सा फ्राई करके और डाल दिया था। तो बताइए फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? वेलकम है मेरे चैनल में आप सबका। और यहाँ पे सब्जी भी तैयार हो रही है, मसाले रेडी कर लिया है मैंने, मसालों में अच्छा कलर आ चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो बना रही हूँ मैं पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि बच्चों को पनीर की सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो मैं बना लेती हूँ। काजू को भी ड्राई रोस्ट किया था मैंने, तो थोड़ा सा मैंने सेवैया में डाल दिया और थोड़ा सा पेस्ट बनाऊँगी सब्ज़ी के लिए। तो देखिए सेपरेट हो चुके हैं ऑयल, अच्छे से भुन गए हैं मसाले, तो सब्ज़ी भी मैंने बना ली। और आज मैं चावल नहीं बनाऊंगी, चावल मैंने रात में ही सैटरडे को खिचड़ी बनाई थी रात में, तो इसके लिए मॉर्निंग में नहीं बनाऊंगी, शाम में ही बनाऊंगी आज चावल। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे, और बारिश के टाइम में ज़्यादा चावल भी अच्छा नहीं लगता है खाने में, पता नहीं क्यों। तो पराठे मेरे बन रहे हैं, और इसमें मैंने आटा और मैदा दोनों डाला था, और मैदा डालने से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है, डेली तो नहीं खा सकते हैं। तो देखिए बन के तैयार है लंच। तो फ्रेंड्स, मेरा सारा काम सुबह का हुआ 3:30 बज रहा है और फ्रेंड्स। बर्तन क्लीन कर लिया। 3:30 बज रहे हैं अभी, देखिए घड़ी में 3:30 बज रहे हैं अभी। और आज बहुत ज़्यादा धूप आई है, तो मैंने सारा जो घर के कपड़े थे ना, कल से मेरे परसों से ही कपड़े पानी में ही मतलब सूख रहे थे, मतलब गीले होते थे और सूखते थे, क्योंकि घर में जगह भी नहीं है इतनी कि मैं कपड़े डाल पाऊँ ऊपर में। और बालकनी भी नहीं है यहाँ पे, तो इसके लिए मैं छत पे ही छोड़ देती हूँ, क्या कर सकती हूँ। तो 2 दिन के कपड़े मैंने आज ही पूरा सूखा लिया है, पूरे कपड़े मेरे सूख चुके हैं, थोड़े बहुत अभी भी बाकी है सूखाना, तो छत पे सूख रहे हैं। बिल्कुल देखिए कार्टून देख रहे हैं। तो संडे को भी किसी की वीडियो में नहीं जाती हूँ, फिर भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि संडे को मैंने बताया ही था बहुत सारे काम एक्स्ट्रा भी होते हैं। और अभी मुझे हेयर रिमूव भी करना है, आज ही करूँगी, बहुत दिन से सोच रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। जा रही हूँ हेयर रिमूव करने, अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है, तो संडे को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम जो होते हैं। और बहुत अंधेरा आ रहा है, क्योंकि रूम में मेरा अंधेरा अंधेरा ही जैसा ही लगता है। लाइट खिड़की तो है, देखिए विंडो तो है, लेकिन लाइट नहीं आती है विंडो से, थोड़ा कम ही लाइट आता है, इसके लिए मैंने लाइट जला दिया अभी। तो अभी रिमूव करने का मशीन दिखाती हूँ, पहले भी शेयर किया था आपके साथ। ये देखिए, ये मशीन मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि मैं हेयर को कैसे रिमूव करती हूँ। ये देखिए, तो वैक्स कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मुझे, मैं इसी से हेयर रिमूव करती हूँ। तो इसके लिए मैं पार्लर नहीं जाती हूँ हेयर रिमूव कर। तो आज नेल पॉलिश भी लगाती हूँ, थोड़ा टाइम नहीं मिलता है मुझे लगाने का, तो रेड कलर ही मैं लगाती हूँ ज़्यादातर, और ये थोड़ा सा डार्क है, ये पिंक कलर है, तो सोच रही हूँ मैं पिंक कलर ही लगा लेती हूँ, आज मैं यही लगाती हूँ। ये है धागा, तो आता तो है मुझे, बना लेती हूँ, लेकिन खुद का नहीं बना सकती हूँ। खुद का कभी कभी मैं जैसे जल्दीबाजी में रहती हूँ तो थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ, तो ये भी है मेरे पास पड़ा हुआ, और भी ले लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने लगा लिया, और वैक्स वगैरह भी मैंने कर लिया है फ्रेंड्स, बिल्कुल क्लीन हो चुका है मेरा, ये जो मैं बिल्कुल भी हेयर नहीं दिख रहे होंगे आपको, क्लीन कर लिया मैंने पूरा, पैन में भी किया और हाथ में भी किया है अभी, और नेल पॉलिश भी मैंने लगा लिया है, देखिए इस कलर का है ये। और सावन स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने ग्रीन चूड़ियाँ भी पहन ली है, पतली वाली चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, मतलब एक एक जो कड़ा होता है ना, बस वही पहनती हूँ, एक एक कड़ा ही पहनती हूँ मैं, लेकिन ये प्लास्टिक नहीं है, मेटल नहीं है, ये भी कांच की चूड़ियाँ हैं, दो को ज्वाइंट करके एक बनाते हैं, दो को ज्वाइंट करके एक ही बनाते हैं, तो देखिए ये वाले, तो इस टाइप का मैंने ग्रीन कलर का पहन लिया। सावन में कहते हैं कि ग्रीन कलर पहनना चाहिए, तो मैंने ड्रेस भी आज ग्रीन कलर का ही पहना है। ड्रेस वगैरह डेली मैं धोती हूँ, तो डेली सुखाना भी ज़रूरी होता है, तो सूखते नहीं हैं। और बारिश का थोड़ा थोड़ा सा मौसम देखिए अभी भी लग रहा है, तो थोड़ा सा छांव जैसा हो गया है, अंधेरा जैसा,
तो लगता है फिर से बारिश आने वाली है। और ये बैग भी मैंने धोया था आज, तो लग रहा है कि फिर से बारिश आने वाली है। और छत का मेरा हाल देखिए, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। मतलब 15 दिन से बारिश है तो इसके कारण छत भी काला पड़ गया है। और मनी प्लांट मैंने यहाँ पे रख दिया था, जो भी घर पे था, खिड़की में थी, तो यहाँ पे रख दिया है मैंने। और बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। मैंने देखा कि छत पे रखा है मैंने जब से, तो तब से जो मनी प्लांट है बहुत अच्छा बढ़ रहा है ये। तो पौधों को भी धूप और पानी और हवा चाहिए, क्योंकि घर में रखने से उतना अच्छा से ग्रो नहीं कर रहा था, पत्ते ही नहीं हो रहे थे। बहुत तेज़ हवा है और यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं ट्रेन, ट्रेन भी अभी यहाँ पे खड़ी है। तो अभी 5 बजे हैं, शाम हो चुकी है और मुझे थोड़ा सा बाहर भी जाना था। तो बेड भी देखिए ख़राब हो रखा है, क्योंकि ये लेट के थोड़ा सा हिसाब कर रहे थे कुछ, तो बेड थोड़ा सा ख़राब हो गया है। पूरे दिन करती रहती हूँ, थोड़ा सा तो ख़राब हो ही जाता है। तो अभी मैं चाय बना के ही जस्ट लेके आई हूँ, चाय पीऊँगी। और बारिश के मौसम में चाय पीना तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, चाय मुझे बहुत पसंद है। वैसे ज़्यादा तो नहीं पीती हूँ, 2 बार पीती हूँ चाय, कभी कभार 3 बार हो जाती है। तो यहाँ कुछ बातें तो हो रही थी, मुझे याद तो नहीं है। तो चाय पी के उसके बाद मैं जाऊँगी बाहर, थोड़ा सा मार्केट भी जाना है। संडे को मेरा रहता ही है थोड़ा बहुत कुछ काम बाहर जाने का, तो इसके लिए संडे को मुझे थोड़ा सा बिजी चलता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड कर दूँगी। आई होप कि आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी आपको। पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।